ओकाटो, यू हैव डेडिकेटेड दिस मेडल टू योर वाइफ, आपने आपके वाइफ को ये डेडिकेट किया है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए और क्यों किया ये भी बताइए, बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टोरी। मेरा जो है, मैं ऐसे कंपटीशन होने के बाद जो है, मैं बहुत मतलब वो था कि कुछ करके इसे दिखाऊं। अभी मैं अभी बेकार से लगा कि मेरे को ऐसे होने के बाद जो है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मेरा वाइफ ने भी, वो भी बचपन से स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है उसको, और उसने मेरा मतलब हमेशा से मेरे साथ दिया है, उसने मेरे को इनक्रेज किया है, ऐसे करके मेरे को मतलब मैं डिमोटिवेट होने से उसने इतना मोटिवेट करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरा हर तरफ से, हर साइड से उसने मेरे को हेल्प किया है, और मेरा गेम में कभी भी ये मतलब प्रॉब्लम आने नहीं दिए, काम होने के लिए नहीं दिए, और हमेशा फाइनेंशियल होने से मेरे को इतना सपोर्ट करके, जो मैं जितना भी जीत के आ रहा हूँ, मेरा वाइफ का थ्रू से ये सब हो पा रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ मेरे वाइफ को भी। आप फाइनेंशियली जो कह रहे हो जी, इनफैक्ट ऐसे भी हुआ है, हम लोग पढ़ रहे थे कि देर वर डेज वेन आप लोग, यू नो, देर वॉज नॉट इवन एनफ मनी टू ईट, एंड उन्होंने स्टार्व करके आपके लिए सब छोड़ दिया था। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरे वाइफ ने ऐसे मतलब जब भी मैं कभी कभी मेरे ट्रेनिंग के लिए सप्लीमेंट वगैरह के लिए मतलब शॉर्टेज हो जाता है, उस टाइम में वो घर में यूज़ नहीं करने से मेरे को भेज देता है, और मेरा पहले ये मेरा पूरा जरूरत पूरा होने के लिए ये सब मैनेज करके उसने भेज के मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया है, तो मैं ये जो आज का जीत जो है, मेरा मेडल जो है, मेरा वाइफ को दे दी गिफ्ट करना चाहता हूँ। कुछ कह दीजिए सीधा कैमरा में। थैंक यू सो मच मम्मी, एंड आई लव यू सो मच। Beautiful. Well done, and thank you.